दोस्तों, चूंकि हमारे स्कूल में समस्याएं हैं, इसलिए मैं सबसे विश्वासघात के विषय पर बात करना चाहूंगा। वो गद्दार हैं और गद्दार ही रहेंगे। नास्त्या, क्या तुमने सुना कि टीचर माइक ने गद्दारों के बारे में बात करने का फैसला लिया है? हाँ हाँ, वो डीमा के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे, वो शायद उसके लिए खड़ा रहेंगे। दोस्तों, तुम्हें गद्दारों से नाराज होने की जरूरत नहीं है, ना ही उनसे निपटने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें उनसे केवल दूर रहना है। तुम किस लिए बैठे हो? टीचर माइक के पास कोई लेसन नहीं है। नास्त्या, मैं गद्दार नहीं हूँ, ठीक है? कोस्त्या, मैं गद्दार नहीं हूँ। अरे, मैं गद्दार नहीं हूँ, समझो मेरी बात को। और टीचर माइक, आप उनके बारे में कैसे बातें कर सकते हैं? वो हमारे साथ स्कूल में है और मैं उसे हर दिन देखती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, समझे आप? ओ टीचर माइक, अगर मैं आप होती तो मैं विशेष रूप से गद्दारों से बात करती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो कौन है। देखो, क्या तुम इसे रोकोगे? मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं किया। तुम लोग मुझे गद्दार बोलना बंद करो। ओ नहीं टीचर माइक, मैं डीमा से बात नहीं करूंगी। डाना, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। डीमा अच्छा लड़का है, वो गलत नहीं हो सकता। ओ, लव के बारे में। टीचर माइक, शुक्रिया आपके समझाने के लिए। हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, टीचर माइक सही कह रहे हैं। डीमा, शांत हो जाओ, तुम्हारी वजह से सब लोग झगड़ते हैं, समझे? आओ, विश्वासघात पर दोबारा बात करते हैं। अगर तुम्हें कभी धोखा दिया गया है तो अपने हाथ उठाओ। ओ टीचर माइक, मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया था, और सारी व्यवस्था के बावजूद उसने डेटिंग करना शुरू कर दिया मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। कमाल लाला है। तुम्हारी गलती है, मुझे याना भी पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। आई लव यू। रायन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, और याना तुम तो गई। देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे होते हैं तो समय कितनी आसानी से गुजर जाता है। और मत भूलना, अगला पार्ट भूगोल है। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, क्या क्या लेना है पीछे जल्दी करो, ऑर्डर लो जाकर, ज्यादा समय नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? आइस हमें चार चॉकलेट देना, तुम्हारे लिए क्या ला सकती? एक पिज्जा और एक लाते। अच्छा सुनो ध्यान से, हॉट चॉकलेट दे देना। मैं पिज्जा और लेमन टी लूँ। ठीक है। देखो डीमा, अपनी टीम के साथ कैफे तक नहीं आता, कितना शर्मिंदा है ना? वो लोग कैसे हैं? बस सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं। लड़कियों, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है उससे, समझी? लड़कियों, तुम लोग क्या लेना पसंद करोगी? चीज़केक और मिल्क शेक। चलो जल्दी करो पिज्जा। ठीक है, मैं जल्दी लेकर आती हूँ। नास्त्या, चलो अब पिज्जा को अकेला छोड़ दो, तुम समझी ना? हाँ डायना, मुझे इस पिज्जा से नफरत है, मैं उससे नफरत करती हूँ। लड़कियों, बास्केटबॉल प्लेयर्स हमें घूर रहे हैं। नोपा, सुनो, तुम उसकी तरफ मत देखा करो, नाटक करो कि तुम उसे नोटिस नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। हाँ इस्माइल, अगर तुम डायना के साथ में मेकअप कर सकते हो तो हम अपनी लड़कियों का मेकअप कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों मेरी बात सुनो, ये चांस मत लो, ये काम नहीं करेगा। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। स्माइल, मैं तुम्हारे लिए अपनी मुट्ठी बंद कर रहा हूँ। लड़कियों, उसे अपने पास जाने दो। तुम डायना पहले जाने वाले। स्माइल, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें पता है ना कि तुम पसंद नहीं हो किसी को। स्माइल, क्या तुमने सुना? अपने हाथ मेरी कुर्सी से हटा दो अभी, समझे तुम? छोड़ो डायना, ये कब तक चलेगा? चलो अब रेडी हो जाओ। ओके, मुस्कुराइए, मुझे लगता है डायना ने तुम्हें स्पष्ट कर दिया। स्माइल, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। डायना, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, हम एक ही स्कूल जाते हैं, हम पहले ही एक दूसरे के बिना लौट नहीं सकते थे। और वैसे भी मैं और तुम एक दूसरे को डेट करते हैं, मैं फुटबॉल खिलाड़ियों को डेट करना अच्छा नहीं समझता तुम्हारे लिए। हम लड़कियों से बातें कर रहे हैं। बात करनी है? क्या तुमने ब्लॉन्डी को देखा? वो किस तरीके से उसे हटा कर चली गई? मैं तो खुद हैरान हूँ, वो बास्केटबॉल प्लेयर्स ऐसे कैसे करते हैं? वो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है, देखो जरा। पिज़्ज़ा हमारा ऑर्डर कहाँ है? स्माइल, ये चल क्या रहा है? क्या तुम नहीं देख सकते हो, डायना ने स्माइल को उड़ा दिया। मुझे कोशिश करनी है। इसे छोड़ दो। मैं तो चला। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कमर में दर्द है, बस जाओ, छोड़ो इसे। मैं जा रहा हूँ। स्माइल, क्या तुम थकने गए? ये किसी काम का नहीं। मैक्स, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे डायना के साथ मेरा रिश्ता वापस चाहिए। मुझसे कुछ बात कर सकते हो? जूली, क्यों? हाँ ब्रवास की, सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। अरे घंटी को छूना बंद करो, ये कोई खिलौना नहीं है। ऑर्डर क्या क्या है बताओ ना। हाँ, उसने सैलेड का ऑर्डर दिया है। कनोपा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, अब दूसरा आ गया। तिमूर, स्माइल पहले से ही डायना के पास आ रहा था, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। हाँ तिमूर, पीछे खड़े रहो, हम ऑर्डर करने वाले हैं, ऐसे मत करो प्लीज। कनोपा, हम बात कर रहे हैं। नहीं तिमूर, बाय बाय। हाँ तो लड़कियों, मैं तीन गिनने जा रही हूँ, और देखना वो मेरे पास वापस आ जाएगा। मैरी, तो मत भूलो कि हम सब रेबल्स हैं, हम डेट नहीं करते हैं, समझ गई ना तुम? हाँ बास्केटबॉल प्लेयर्स, लड़कियों हमें नए बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिलते? मुझे सच में एक बॉयफ्रेंड चाहिए। पिज़्ज़ा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऐसी हरकत मत किया करो यहाँ पर, तुमने फिर से वही हरकत की है। मैक्स, अब तुम इसे आजमाओ। मैं नहीं जा रहा, मरियम को ही सुनने दो, मैं नहीं जा रहा। मैक्स, तुम मूर्ख हो क्या? तुम नहीं समझते कि अगर विद्रोही आपस में मिल गए तो हम लड़कियों के साथ संबंध बना लेंगे। खैर मैक्स, जाओ। मैं नहीं जा रहा।
ध्यान उसे मत देखो तुम। तो याना क्या ये ठीक है? मुझे समझाओ जरा। तुम अभी चूहो के पास वापस आ गई हो। अब तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो मुझे चिढ़ाने के लिए। लाइला मैं रेबल्स के साथ खुश हूँ और मैं यहाँ पर नहीं आने वाली थी। तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो रैन के पास, समझ गई ना? हाँ प्यार में? क्या तुमने मुझसे पूछा? शायद मैं अभी तक उससे प्यार करती हूँ। लाइला तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब मैं इसे डेट करके ही रहूँगी। याना मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत बदल गई हो। ये तुम्हारा विद्रोही जीवन है, चिंता मत करो। समय बीत जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, देख लेना। लाइला तुम्हें मुझे चूहों के पास नहीं लाना चाहिए था। दोस्तों किसी को पता है डायना कहाँ है? प्रॉब्लम है क्या? स्कूल में सब लोग डायना की दीवाने हैं। हम नहीं जानते कि तुम्हारी डायना कहाँ है। हाँ, उनके पास अब कोई क्लास नहीं है तो वो वहीं पर गए होंगे जहाँ हमेशा से होते हैं, ठीक है ना? जाकर देख लो। दोस्तों मैं देखता हूँ। ओह वैसे भी मैं उससे ईर्ष्या करती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। याना अगर मैं तुम होती तो मुझे डायना से जलन नहीं होती। मैं सोचती कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सच में मेकअप नहीं कर सकती? नहीं, मैं इस लव बर्ड्स कपल को ऐसे और नहीं देख सकती। सुनो लड़कियों, मुझे तुरंत एक बॉयफ्रेंड चाहिए। नास्या। हे लड़कियों, वर्कआउट का मूड कैसा है? मुझे आशा है कि तुम्हारे प्रशिक्षण के बारे में नहीं भूले हो। हाय मैस्कॉट। अच्छा तो लड़कियों चलो ट्रेनिंग शुरू, चलो काम करते हैं, नहीं तो मोटे हो जाएंगे। हम गिरोह के साथ बने रह सकते हैं, इसलिए हमें अच्छा प्रयास भी है। ठीक है लड़कियाँ चली गयी, आज का प्रयास बहुत बेहतर रहा। माइल हम जिम के बाहर उनका इंतजार क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आइस मेरा ऑर्डर लेकर आओ। कोस्टिया तुम बहुत अच्छे हो जब तुम गेंद के साथ जिम के चारों तरफ दौड़ते हो। करीना यह पहली और आखिरी बार है जब तुम ट्रेनिंग ले रही हो। कोस्टिया पर क्यों? हाँ जी माँ, तुम फुटबॉल खिलाड़ी हो और करीना और मैं तुम्हारी चीयरलीडिंग टीम में है। ग्रीन, हम फुटबॉल खिलाड़ियों को चीयरलीडर्स की जरूरत नहीं है। माँ हम कैसी लड़कियाँ हैं फिर? हाँ तो लड़कियों मुझे आशा है कि आज हम लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ डायना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कोस्टिया शांत शांत। करीना हम यहाँ पर अजनबी हैं अभी। फुटबॉल प्लेयर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ बताना जरा। यहाँ सिर्फ चीयरलीडर्स और बास्केटबॉल प्लेयर्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। चले जाओ अभी। लड़कियों वहाँ भी मत बैठो प्लीज। जी कोस्टिया शांत हो जाओ लड़कियों। डायना हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे? कहाँ लिखा है कि यहाँ केवल बास्केटबॉल खिलाड़ी और चीयर लीडर से ट्रेनिंग ले सकती हैं? बताओ। हम यहीं पर हैं। हम यहाँ अपने लड़कों के साथ हो सकता है मैं उनके साथ उन दो फुटबॉल खिलाड़ियों से निपट लूंगा। मैस्कॉट इसे जोखिम में मत डालो। हाँ सुनो जीमा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम क्लास में नहीं आ सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए हो? तुम्हें पता है ना कि तुम बस यहाँ पर गर्लफ्रेंड के सामने दिखावा कर रहे हो, वो करना बंद करो तुम, समझ गए ना तुम? हाँ गर्लफ्रेंड, मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे जीमा से प्यार है, ठीक कहा ना? ग्रीन मेरी असली गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अपना मुंह बंद करो। सच में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। तुम चुप रहो। करता है। मैं यहाँ पर तीन गिनने जा रही हूँ और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, समझे ना? मैं शुरू कर रही हूँ अभी। हाँ एक दो तीन। चलो जल्दी करो, ये बहुत मूर्ख है। बोलने दो ने, हम नहीं जाने वाले हैं। दीमा हमें क्या करना चाहिए? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभ्यास करेंगे। तुम चाहो तो वहाँ रिहर्सल कर सकते हो। कोस्टिया चलो। क्या तुमने सुना? हम नहीं जा रहे हैं। सुना, मैं परेशान हो गई हूँ इन सब बातों से। डायना चलो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं लड़कियों मुझे अकेले रहने की जरूरत है। डायना तुमने सच में उसे पा लिया? कोस्टिया ये तो शुरुआत है, उसे मेरे प्यार में भरोसा नहीं है, समझे क्या तुम? तय करो कि तुम किसे प्यार करते हो, डायना को या ग्रीन को। चलो अभ्यास करते हैं। 1 2 3 लड़कों चलो। डायना हमें अभ्यास करना चाहिए। देखो दोस्तों मुझे अकेले रहने की जरूरत है अभी। डायना असल में हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मुझे उन फुटबॉल प्लेयर्स की परवाह नहीं है। डीमा जानबूझकर खुद का तमाशा बना रहा है। डायना चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों तुम्हें समझना होगा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। धन्यवाद यह सब तुम्हारी वजह से। ये सब कब तक चलेगा? हाँ हाँ मैं इन सब चीजों से थक गई हूँ। अब टीचर माइक भी मेरी बात नहीं समझना चाहते हैं, मैं क्या करूँ अब? लड़कियों मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अकेले रहना है अभी। ओ यहाँ हो डायना, तुम कैसी हो डायना? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रोमियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सुनो डायना,
रीमा के साथ तुम्हारा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रोमियो शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। सही कहा ना मैंने? डायना, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही? रोमियो देखो, मैं एक बहुत ही आजाद लड़की हूँ, लेकिन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी है और वो मेरे स्कूल में ही जाता है और मैं उसे डेट नहीं करती हूँ अभी और मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ और मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो डायना, मुझ पर विश्वास करो, वो फुटबॉल प्लेयर्स और बास्केटबॉल मेरा कुछ नहीं करेंगे। रोमियो मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। कोसते है, मुझे बहुत मजा आया, क्या हम फिर से करेंगे? करीना, वो आखिरी बार था। करीना तुम चिंता मत करो, बेशक हम सब बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आया दोस्तों, हमारी लड़कियाँ कहाँ हैं? उन्हें अभ्यास करना चाहिए। गाली जा रहे और पड़े हैं, वो चले गए होंगे। तुम लोग फालतू की बात करना बंद करो, अपना जैकेट उतारो और ट्रेनिंग शुरू करो। ठीक है, हम किसके साथ ट्रेनिंग शुरू करें? स्माइल, पहले वार्म अप के साथ शुरू करते हैं। तुम सही नहीं सोच रहे हो। मैक्स, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता। मैक्स, अगर तुम हमारे साथ में नहीं हो तो बस इतना कहो कि मैं तुम लोगों के साथ में नहीं हूँ। मैं और स्माइल अपनी लड़कियों को चाहते हैं, बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सच में मैक्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। गर्मी की छुट्टी में सब चले जाएंगे तो क्या होगा? बताओ मैक्स, बताओ मुझे। फिर हम उन्हें दोबारा नहीं देखेंगे, उन्हें शायद नए बॉयफ्रेंड मिल गए होंगे। दोस्तों, हम गर्मियों में कैंप जाएंगे और वहाँ पे लड़कियाँ भी होंगी। स्माइल, मैक्स हमारे साथ नहीं है। ठीक है, चलो अभ्यास करते हैं। मैक्स, इसे बढ़ाओ। चलो असली सॉकर टेबल पे फुटबॉल खेलते, आ जाओ। हाँ कोस्टिया, मैं ब्राउज के लिए हूँ। कोस्टिया, मैं तुम्हारी फैन हूँ। जी माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं लाल के लिए हूँ। ये कोस्टिया, एक गोल करो। हाय दोस्तों, डीमा मैं यहाँ तुम्हारे लिए। एक लक्ष्य और तुम तनाव मुक्त हो जाओगे। लायला, तुम क्या चाहती हो? डीमा, टीचर माइक ने मुझे विश्वासघात के बारे में लेख लिखने के लिए कहा है और मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए। अच्छा, मेरे बारे में? डीमा, सबसे पहले जो तुमने किया है उसके लिए तुम कैसा महसूस कर रहे हो, बताओ मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हीरो की तरह महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आखिरकार डायना को सबक सिखाया। ओ वाओ। हाँ तो लिखो, मेरा बॉयफ्रेंड हीरो है, समझ गए ना, ये लिख दो। हाँ, ये भी लिखो, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि वो दोषी है। लड़कियों, तुम्हें डायना को कॉल करना होगा। जिम से बाहर गए हुए हैं अभी। हाँ हाँ, डायना कुछ समय के लिए ड्रेसिंग रूम में है। रोमियो, तुम बिल्कुल भी टीचर माइक की तरह नहीं दिखते हो सच में। डायना, हाय दोस्तों। हाँ लड़कियों, बोलो तुम लोग। डायना, क्या तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में अकेले बैठना तुम्हारे स्वभाव में है? दरअसल हम प्रैक्टिस में तुम्हारा वेट कर रहे थे। और तुम यहाँ मिस्टर माइक के भतीजे के साथ क्या कर रही हो, बताओ? लड़कियों, तुम लोग ये सब कैसी बातें कर रही हो? मैं रोमियो से कुछ बात कर रही थी। दोस्तों, डायना ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। डायना, हमें प्रशिक्षण जारी रखने की जरूरत है, जिम पहले से ही मुफ्त है। मुझे रोमियो पसंद नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल अजीब है। दोस्तों, तुम जानते हो रोमियो वास्तव में बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही बढ़िया है। रोमियो, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डायना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। लड़कियों, मेरे बारे में फुसफुसाना बंद करो, चलो ट्रेनिंग करते हैं। पर ध्यान देना। लायला, इसे लिख के मुझे कोई पछतावा नहीं है, ये तो शुरुआत है, ठीक है ना? वाओ डीमा, तुम्हें पता है? सुनो फुटबॉल खिलाड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करते हैं। मेरी बात सुनो। ओहो, मेरे बॉयफ्रेंड को मत छुओ, तुम समझी ना? इससे दूर रहो। डायना, रोमियो के बारे में क्या? दोस्तों, आज का दिन बहुत ही भयानक था। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये सारी चीजें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ घंटी बजाएं, नए शानदार वीडियोस का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। लड़कियों, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करें। बानी, 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 सबसे सुपर है, बानी, बानी, सबसे कमाल है। डायना, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? हाँ हाँ, बताओ मुझे। लड़कियों, क्या तुमने देखा उसे? ओ कनोपा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना? सॉरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हो कि आज का विषय ज्योग्राफी था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि आखिर आप लोग इस विषय में माहिर हो या नहीं, लेकिन